अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ कराची की तीन मशहूर फ्रेंच फ्राइज स्पॉट्स जो अपने आप में एक लेजेंड है। सबसे पहले हम जाने वाले हैं अब्दुल्ला फ्रेंच फ्राइज। ये गुलशन इकबाल में लोकेटेड है और ये अपने सिंपल फ्लेवर, मसाले, केचप और चटनी की वजह से बहुत मशहूर है। सेकेंड स्पॉट होगा हमारा अल अरब शोरमा। ये गुलिस्तान जौहर में लोकेटेड है और ये ट्राइंगल शेप चीजी पोटेटोज ऑफर करते हैं जिसमें चीज़ होता है, मायनीज होती है, बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं और मसालेदार ये फ्रेंच फ्राइज होती है। थर्ड स्पॉट जो मेरे हिसाब से बहुत स्पेशल स्पॉट है जो पूरे पाकिस्तान की स्पाइसीस्ट फ्रेंच फ्राइज ऑफर करता है, उसका नाम है मामू चिप्स। ये FC एरिया पे लोकेटेड है और इसका टेस्ट बहुत ही मुनफरद होता है। पूरे इलाके में फ्रेंच फ्राइज मशहूर है और अगर आपने बहुत ही स्पाइसी फ्रेंच फ्राइज खानी होती है तो आप जाते हो मामा चिप्स। तो सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट स्पॉट पे। तो भैया हम लोग फर्स्ट स्पॉट पर आ चुके हैं, वो है अब्दुल्ला चिप्स। सबसे पहले चलते हैं अब्दुल्ला भाई से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं ये पकड़े? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अब्दुल्ला भाई थोड़ा अपने चिप्स वाले के बारे में बता दे। मैं तो बचपन से आ रहा हूँ आपको मैं जानता हूँ, लेकिन व्यूअर्स को पता नहीं है। ये हमारा फर्स्ट स्पॉट है कराची की, तीन मुख्तलिफ फ्रेंच फ्राइज दिखाने वाले। सबसे पहले हम आपके पास आए क्योंकि आपकी फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है हमें। तो थोड़ा अपने बारे में बता दे, कितने साल हो गए और ये फ्रेंच फ्राइज का ये खूबसूरत राज क्या है? इतने बड़े बड़े आलू कैसे हो जाते हैं आपके? ये सब फ्राइज अच्छे वाले होते हैं तो इसलिए लेकर आ जाते हैं। हाँ। और उसके बाद यहाँ पे 19 साल हो गए मेरे को। 19 साल हो गए माशाल्लाह। 2004 में मैं आया हूँ यहाँ पे। सही। तो जब से फ्राइज ही बेच रहा था उसके बाद फिर फास्ट फूड बेच रहा हूँ माशाल्लाह। और मसालों का बताए, मसाले आप बहुत सारे रखते हैं मेरे पास? चिकन फ्लेवर है, बारबेक्यू फ्लेवर है, अफगानी फ्लेवर है, अफगानी फ्लेवर और चाट मसाला जो होता है, चाट मसाला बेहतर है हमारे पास। किससे कितनी प्राइस से कितनी प्राइस तक आपने फ्रेंच फ्राइज रखी? 50 रुपए वाले कम से कम है, फिर 100 वाले, ठीक है 150-200 रुपए तक। ठीक है। चीज फ्राइज भी है आपके पास? ऐसे होते हैं वो 170 रुपए के एक होता है। 170 के होते हैं, बेहतरीन है। बस अभी खाते हैं फ्रेंच फ्राइज, फिर लोगों को आपको बताते हैं। फर्स्ट स्पॉट है भाई, ये दिखा दे अब्दुल्ला फ्रेंच फ्राइज। तो भैया हमने जो है अब्दुल्ला भाई की फ्रेंच फ्राइज ले लिया। सबसे पहले मैं आई आपको मैं दिखाने वाला हूँ सादी चिप्स। ये 50 रुपए की है, ठीक है। इसमें खाली नमक हमने डलवाया, कुछ भी फैंसी चीजें नहीं है। और ये दूसरा आ गया भाई, अली भाई दिखा दो। ये है इसमें तीन किस्म की, एक आ गई केचप, चटनी और ये मायनीज। मायनीज का टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है भाई। हम पहले स्पॉट पे हैं अब्दुल्ला भाई की चिप्स के पास। सबसे पहले यार चिप्स दिखा दो। पहला स्पॉट कराची में बेतासा फ्रेंच फ्राइज वाली जगह है, लेकिन यहाँ पे जो है ना मुझे कॉलेज के दौर से फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। तो मैंने बोला यार सबसे पहला स्पॉट हमारा होना चाहिए अब्दुल्ला फ्रेंच फ्राइज पे। तो ये सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज। बिस्मिल्लाह। खाली नमक है, कोई चीज इसमें डिफरेंट नहीं है। ये बंदा बोले भाई कोई डिफरेंट किसी को मसाले, मैंने उसके लिए ना सेपरेट ये करवा दिया भाई ये वाला, ताकि ना दोनों की कंपेरिजन आपको दिखा दें कि भाई ये सीन है और ये सीन। बिस्मिल्लाह। सिंपल टेक्सचर है, बिल्कुल लोकल जैसा आपको इलाके में मिलेगा वैसा ही है। लेकिन बात सर ये एक रनिंग आइटम होता है फ्रेंच फ्राइज पूरे कराची में। स्ट्रीट फूड में फ्रेंच फ्राइज एक ऐसी चीज़ है, स्कूल का कैंटीन हो, बाहर ठेला हो या घर के बाहर कोई बड़ी सी दुकान हो, हर जगह फ्रेंच फ्राइज मिलती है और लोग पसंद करते हैं। तो भाई इसके तो टेस्ट बहुत ही आला हो गया। सेकेंड पे चले जाते हैं अली भाई, उसमें ले आओ प्रेजेंटेशन वाइज। ये 50 रुपये की प्लेट है, ठीक है। आलू बहुत महंगे हो गए इस वजह से भी थोड़ी सी क्वांटिटी कम है, लेकिन महंगाई के हिसाब से मेरे हिसाब से बेस्ट। इसमें इन्होंने फ्लेवर भी ऐड किया है सब चीज़ें, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। भाई इनकी चटनी जो होती है ना वो आउट क्लास होती है। एक और चीज़ हाईलाइट करने की, भाई सिंपल ठेला ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला भाई ने अब जो है बर्गर वगैरह भी रख दिए। हम थोड़ा उनसे भी डिस्कशन करेंगे भाई कितना टाइम हो गया। माशाल्लाह फ्राइज जो हमारा फर्स्ट स्पॉट है अब्दुल्ला चिप्स का बहुत ही लजीज है। भाई ये हम दूसरे स्पॉट आ चुके हैं, अली भाई दिखा दो वो रहा अल अरब शौरमा। चलो भाई। ओए होए होए चिप्स तैयार हो रही है भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। एक चीजी पोटैटोस दे दीजिएगा बस। कुछ ड्रिंक लेनी है क्या? बस एक चीजी पोटैटोस। चेंज है? चेंज नहीं है। कैमरामैन चेंज दे दे, होंगे ना यार, या कार्ड से कर लो। नहीं नहीं स्टॉप नहीं करो, वो दे रहे हैं, दे देंगे, क्या हो गया? ये पैसे मैं रख लेता हूँ। देखो तुम वैसे भी माशाल्लाह इतने पैसे वाले आदमी हो, अगर कैमरामैन से 500 रुपए ले लेंगे तो कोई बुरी बात थोड़ी है। ये हमारे आ गए, जब तक हम यहाँ पे ले लेते हैं। आ जाओ। हाँ ये ले रहा हूँ यार, ये ले लेना चीजी पोटैटो। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है।
चीजी आगे से ओके भाई, हमारा चीजी पोटैटोस हो रहा है। अली भाई ले आओ सामने, ये वाले आलू हैं, दिखाओ आलू, आलू दिखाओ भाई। ये होते हैं स्क्वायर आलू, स्क्वायर है कोई और शेप बन गया है इसका, स्क्वायर ही है। हाँ ये तैयार है, अब इसमें मसाले कौन से डालेंगे? चाट मसाला मिक्स, सारे मिक्स। वाह अली मोबाइल में लाइट है तो खोल। अच्छा इसमें कोई वेजिटेबल्स तो ऐड नहीं होते ना? अच्छा होगा, ये चिली आ गया और ये कौन सा, ये मायो आ गया। हाँ ये चीज सॉस है माशा, चिली फ्लेक्स माशा। भाई इतनी सारी चीजें आ, स्टिक लगा दो बस। वाह 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 बहुत आला यार, इधर ही रख दे भाई, ये आ गया हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई चिप्स आ चुकी है हमारी चिप्स, ठीक है भाई सब चीजें इसमें ऐड है। दो किस्म की मायनीज है, दो किस्म की चीज है, चार किस्म के मसाले है इसमें। ये चीज भाई ये क्या वो स्प्रिंग अनियंस और कैरेट, ठीक है भाई जज मत करना, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में जो है मसला है। वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं दूसरी दफा ये जोक सुना रहा हूँ, क्योंकि पिछली दफा जो है ना हमारे कैमरामैन ने लेंडी बना ये किया कि रिकॉर्ड नहीं किया, तो दूसरी दफा दे रहा हूँ ठीक है। ये जोक इस वजह से थोड़ा ठंडा फील हो रहा है, लेकिन खैर हो गई। आपको कौन सा पता चल रहा है बिहाइंड द सीन, आप तो प्रेजेंट देख रहे हो ना प्रेजेंट। आ जाओ भाई चिप्स पे, ये चकोर शेप पान शेप चिप्स जो है सिर्फ अलरप पे मिलते हैं, ठीक है भाई। चार पांच किस्म की चीज डाल देते, पैसे इन्होंने मुझे कितने दिए पता नहीं, मैंने जेब में रख लिया, बहुत पैसा है ना, यूट्यूब का बहुत कमा रहा हूँ मैं, लाखों रुपए में उड़ा रहा हूँ। ये दो बंगले मैंने जमा कर ला दिए, प्लॉट्स ले लिए, पता नहीं क्या इतना कमा रहा हूँ मैं, मुझे पता ही नहीं है मेरे पैसे कितने। और जितना मुझे कन्वर्जन रेट बढ़ता जा रहा है ना उतना मैं अमीर होता जा रहा हूँ। कल को अंबानी मुझे फोन करने वाला है, आसिम भाई थोड़ा सा मैं पैसे दे दो। खैर बैक टू चिप्स, ये भाई बहुत आला है, छह दफा मैं कह चुका हूँ बहुत आला है, इसके अलावा मुझे अल्फाज में दिमाग में आ नहीं रहे। लेकिन ये जो है ना चीज चेक कर लो, छोड़ो यार डंडी को। वाह अच्छा चीज को ना इन्होंने तोड़ तोड़ के डाला है। ये हमारा सेकंड स्पॉट था, चिप्स आपको दिखा दी। अब इतना ज्यादा खा तो मैं सकता नहीं, उस वजह से मैं और अली भाई दोनों मिल के बैठ के मस्त होकर खाएंगे और आपको 5 सेकंड वाला ऐसे दिखा देंगे कि हमने खा लिया ये। लेकिन टू बी ऑनेस्ट फ्रेंच फ्राइज का अगर सही पेट भूख लग रही है ना, थोड़ी सी डिफरेंट खाना, तो यहाँ के चीजी पोटैटो ट्राई करो, बहुत ही टेस्टी होते हैं। रेटिंग वाइज इसको हम 9 देंगे, और जो आखिरी प्लेस जाने वाले हैं ना भैया उसमें तो आपकी फटने वाली है, सही है फुल ऑन गला फट जाएगा, इतना स्पाइसी होता है ना गले में धुआं निकलना शुरू है। ये कहना चाह रहा हूँ गंदी सहन जो आपकी जहनीत है ना इसको खत्म करो और फ्रेंच फ्राइज पे फोकस करो। तो भैया हम अपनी थर्ड स्पॉट पर आ चुके हैं, उसका नाम है मामू चिप्स, ठीक है भाई। ये है FC एरिया के करीब, और सबसे जबरदस्त बात जो मैंने आपको इंट्रो में बताई थी, आपको पूरी कराची में इससे ज्यादा स्पाइसी फ्रेंच फ्राइज कहीं नहीं मिलेगी। चलते हैं थोड़ा सा इनसे सवाल जवाब कर लेते हैं, क्योंकि हम ऐसे टाइम पर आए बिल्कुल एंड पे। बस इतना बता दें कितना टाइम हो गया मामू चिप्स का, क्योंकि मैंने खाया है, मेरा दोस्त यहाँ रहता था और माशाल्लाह 2 साल से तो वो चला गया, 2 साल के बाद मैं तकरीबन आया हूँ। और ये मसाले जो है ना वो मुझे यहाँ पे ना खींच के लेकर आए, क्योंकि कराची में इससे ज़्यादा स्पाइसी चिप्स कहीं नहीं मिलती। तो माशाल्लाह कितने साल हो गए आपको? 23 साल हो गए माशाल्लाह। शुरू से आप ऐसे डबल मसाला तेज़ थोड़ा स्पाइसी रखते थे? हाँ ये जो मसाले करता है ना ज़बरदस्त दम मसाले। अच्छा और कीमत क्या कुछ बढ़ा दी है या नॉर्मल कीमत है? 50-100 महंगाई के हिसाब से। हाँ महंगाई के हिसाब से तो ऐसा ही। अच्छा औकात क्या है, टाइम कितने बजे ओपन होता है? 3 से 10:30 बजे तक। अच्छा कोई नया हो अगर इस इलाके का ना हो और वो आकर आपके जो मजेदार मतलब स्पाइसी चिप्स खाना चाहे तो रास्ता बता दें, एरिया समझा दें। एड्रेस है इसका लियाकतबाद 4 नंबर FC एरिया, FC एरिया SLC थाना है कोने पे, उसी गली में आते ही पहली चौक पे मामू चिप्स। मामू चिप्स से बेहतरीन हो गया, बस एक बना दें हमारा ही 50 वाला डबल करके दम करके मस्त।
जाए मेरा भी ऐसी बना दो। बहुत शुक्रिया। चलो भाई आ जाओ बैठ के खाते। भाई हमारा आ चुका है। अच्छा पहले जो है इन्होंने केचप डाला, फिर इसके अंदर सारे मसाले ऐड किए और मैंने आप सबको मसाले दिखा दिए। तो अब ये देखो मज़ेदार सी चिप्स। क्लोजअप करो। अब आओ भाई, ये हम आ गए हैं मामू चिप्स पे एफसी एरिया। और ये जो था ना स्पाइसी चिप्स, मेरे ख्याल से हमारे गुलशन जौहर में तो ऐसे चिप्स मिलते ही नहीं, हम खा ही नहीं सकते ऐसे। लोग खाएंगे ना तो फिर आधा घंटा तो बाथरूम में बैठेंगे। तभी मैंने आपको इंट्रो में बोला था ऐसी चिप्स आपको खिलाएंगे कि उससे फट जाएगी, मतलब आपका गला जो है ना वो फट जाएगा। टेस्ट करते हैं बिस्मिल्लाह। भैया सिंपल फ्लेवर है लेकिन जो मसाले हैं ना, पहली बार में उन्होंने हालत ख़राब कर दिया और पसीना आना स्टार्ट हो गया। ज़बरदस्त स्पाइसी तरीन मसाले दार भी चिप्स हैं वो बहुत स्पाइस लेवल टू द भाई एस्थेटिकली हमने जो है ना लोकेशन चेंज कर लिए, हमने बोला थोड़ा सा डिफरेंट दिखा दें। तो ये हम आए हुए थे मामू चिप्स पे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका फेवरेट स्पॉट क्या था। मेरा पर्सनली ना ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ चिप्स हैं। आपको कराची में सिंपल चिप्स भी मिलेंगे, स्पाइसी के हिसाब से आपको आना पड़ेगा मामू चिप्स। तो वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।